नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सैलरी नहीं मिली तो कर्मचारी के काम बंद। जब फैक्ट्री के पास सड़क पर नजर आया बाघ तो शहर की सांस लोगों में डर। का राम चर्चा आदिमान को आश्रम चंद्रा भ्रमण पर आई। रायसेन में एक गांव जैसा जहां बरगद के पेड़ के नीचे लगता है सफाई। फिलहाल अच्छी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस के पहिए रविवार से थम गए। प्रदेश भर में 600 एम्बुलेंस के रुक जाने से मरीजों को समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। एम्बुलेंस के कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज हैं। इनका कहना है कि उनका झगड़ा मरीजों और सरकार से नहीं बल्कि कलेक्टेड कंपनी चिकित्सा से है। इमरजेंसी में 108 एम्बुलेंस द्वारा हर रोज 300 से ज्यादा मरीजों को इमरजेंसी सेवाएं दी जाती है। इनके बाद होने से मरीजों को आज एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई और उन्हें निजी वाहन या ऑटो से अस्पताल पहुंचना पड़ा। राजधानी में इन दिनों कुल 17 एम्बुलेंस हैं जो चालू हालत में हैं और वो मरीजों को अस्पताल रेफर करने का काम करती हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुल 600 एम्बुलेंस हैं जिससे हजारों की संख्या में मरीजों को त्वरित उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया जाता है। बुधनी ब्लॉक में बाघों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। यहाँ 8 बाघ और तेंदुए का लगातार मूवमेंट रहा है। वर्तमान फैक्ट्री के पास रोड पर नजर आए बाघ के कारण ग्रामीणों की दहशत कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। पूरे बुधनी ब्लॉक में बाघ और तेंदुए के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में 8 बाघ और तेंदुआ घूम रहे हैं। वन विभाग एक को घने जंगल में खदेड़ता है तो दूसरा रहवासी क्षेत्र की तरफ आ जाता है। रविवार को वर्तमान फैक्ट्री के पास बाघ सड़क से होकर निकला तो लोगों की सांसें कुछ देर के लिए थम गई। बाघ को जाते हुए अनेक लोगों ने देखा। बाघ और तेंदुए के पहाड़ी से नीचे आ जाने से वन विभाग के कर्मचारी भी दिन रात उन्हें घने जंगल में खदेड़ने में जुटे हुए हैं। बुधनी सहित आसपास के कई गांवों में बाघ का आतंक किस तरह से फैल रहा है उसका अंदाज इसी से ही लगाया जा सकता है कि लोग अब घरों से निकलने में डरने लगे हैं। रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर किला पहाड़ी के पीछे हिस्से में स्थित रामछज्जा इतिहास के कई परतों को खोलता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ कुछ समय रुके थे। विदिशा के चरण तीर्थ की कड़ी में रामपथ में शामिल रामछज्जा एक ऐतिहासिक स्थान है। इसके पास ही सीता तलाई है। प्रशासन और शासन सहित पुरातत्व विभाग भले ही इन स्थानों की अनदेखी कर रहे हो लेकिन इतिहासकारों और पुरातत्व के विद्यार्थियों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार को भारतीय इतिहास संकलन समिति के नेतृत्व में सांची विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने रामछज्जा का भ्रमण और अध्ययन किया। पुरातत्ववादी डॉक्टर नारायण व्यास ने पुरातत्व का अध्ययन करने वाले इन विद्यार्थियों को यहां स्थित शैल चित्रों का इतिहास और कला के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों के साथ इतिहास संकलन समिति के सत्यनारायण शर्मा, राजीव लोचन चौबे सहित अन्य लोग मौजूद थे। और मैं यहाँ पर आई हूँ इतिहास समिति संकलन से जुड़ी हुई हूँ और ये रामछज्जा है और यहाँ पर काफ़ी पुराने रॉक आर्ट्स हैं और यहाँ पर जो सर ने बताया व्यास सर काफ़ी जानकारी मिली है मुझे और काफ़ी बहुत अच्छा लगा है। और ये थोड़ा शहर से दूर है और इसीलिए मुझे लगता है ये सुरक्षित है और इसको सुरक्षित करने के लिए और भी कदम उठाए जा सकते हैं। थैंक यू। प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों योजना संचालित कर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है लेकिन इस स्कूल की हालत देखकर यह सभी योजनाएं विफल साबित हो रही है। आम रास्ता जहां से लोग निकलते हैं वही बरगद के पेड़ के नीचे शासकीय स्कूल के बच्चे वेट कर पढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार किराए के भवन टपरे और खंडहर में स्कूल लगाना तो आपने सुना ही होगा लेकिन रायसेन जिले के उदयपुर तहसील के ग्राम डुगरिया जागीर में ही एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो रास्ते के बीच लगे बरगद के पेड़ के नीचे लगता है। वहां इसलिए कि स्कूल भवन निर्माण के लिए लगभग 6 साल पहले मिली राशि सरपंच और सचिव ने हड़प ली।
भवन का निर्माण अधूरा रहा गया और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन और विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। सर, डुमरिया जागीर स्कूल का निर्माण अटका हुआ है। पुराने सचिव सरपंच ने उसका कुछ पैसा खा लिया था। बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और जो भवन अधूरा है वो जर्जर है, उसमें भी कक्षाएं लग रही हैं। क्या मामला है? नहीं, मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं कि वृक्ष के नीचे लग रहा है, तो अब मेरे संज्ञान में नहीं है, आप बता रहे हैं तो मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। और जहाँ तक रही तो हमारे यहाँ वसूली प्रकरण में है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो डुगरिया जागीर वाला प्रकरण वसूली में होगा, यदि ऐसी आप जैसा बता रहे हैं वैसा। राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। लाल परेड मैदान में यह काम खुद पुलिस कर्मी कर रहे हैं। लाल परेड ग्राउंड से अब तक सैकड़ों पेड़ को काटा जा चुका है। विदिशा में माधव उद्यान में आने वाले सैलानी अब यहां घूमने के साथ ही तालाब में बोटिंग का लुत्फ उठाएंगे। रविवार की सुबह विधायक कल्याण सिंह दांगी ने फीता काट का बोट क्लब का शुभारंभ किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर अनिल सुचाई सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सुबह करीब 8:15 बजे विधायक नपा, अध्यक्ष कलेक्टर आदि माधव उद्यान और बोट क्लब पहुंचे, जहां यहां शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने बोटिंग का लुत्फ उठाया। इसी दौरान सुबह से ही बोटिंग के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। बोट क्लब में सैलानियों की संख्या बढ़ने के लिए नपा अध्यक्ष और कलेक्टर ने काफी देर तक चर्चा की। नपा अध्यक्ष टंडन ने बोट क्लब के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से तार फेंसिंग करने के निर्देश नपा अधिकारियों को दिए। विदिशा शहरवासियों के लिए रविवार का दिन सौगातों वाला रहा। माधव उद्यान में सुबह विधायक कल्याण सिंह दांगी, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर अनिल सुचारी ने वार्ड क्लब का शुभारंभ किया। वहीं शहीद ज्योति स्तंभ के सामने सड़क पर दोनों तरफ खड़े रहने वाले वाहनों को दुर्गावती उद्यान के सामने बनी चौपाटी पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। इस दौरान नेपाल अध्यक्ष ने संचालकों से साफ शब्दों में कहा कि यदि सड़क पर किसी का भी वाहन खड़ा मिला तो 5,000 रुपये तक की जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह रामलीला तिराहा पर पुलिस चौकी खोलने के लिए जगह तय की थी। सीहोर में पेयजल सप्लाई करने वाली लाइनों की उम्र पूरी हो चुकी है, जिन्हें बदला तक नहीं जा रहा। इससे आए दिन लीकेज की स्थिति बनती है, इससे सप्लाई प्रभावित हो रही। साथ ही कीचड़ के कारण बने दलदल से आम जन परेशानी भोग रहे हैं। बड़ा बाजार और लाइन में पानी सप्लाई करने वाली लाइन में मुख्य मार्ग पर बड़ा लीकेज हो गया है। इससे घंटे भर तक पानी बहता रहा। क्षेत्र के रहवासियों की सूचना पर पानी बंद किया गया। इस बीच 4 लीटर पानी सड़क और नालियों से बह गया। मुख्य मार्ग की सड़क पर पाए पानी और मिट्टी के कारण कीचड़ से वाहन फिसलते रहे। पैदल चलने वालों को भी दिक्कत उठाना पड़ी। सीहोर में शनिचरी अमावस्या पर विशेष योग में शनि मंदिर पर विशेष अनुष्ठान किया गया। मंदिरों पर सुबह से ही शनि भक्तों की भीड़ रही। इस दौरान भगवान शनि पर तिल तेल व अन्य पूजन सामग्री से पूजन अर्चना की। मंडी स्थित शनि मंदिर के व्यवस्थापक पंडित उत्तम जोशी ने बताया कि इस दिन किए गए पूजा पाठ को शुभ माना जाता है। जिन पर 7.5 कंटक शनि अथवा शनि की किसी और पीड़ा के प्रभाव में होते हैं, उन लोगों के लिए इस दिन पूजा और अनुष्ठान करने से विशेष लाभ मिलता है। नर्मदा नदी पर भी इस दिन विशेष स्नान का दान धर्म किया गया। सीहोर में SDM ने फ्रूट व्यापारी की बैठक में लेकर निर्णय लिया कि फ्रूट मार्केट मार्ग को 10 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। हर कहीं सड़क पर दुकान लगाकर अब व्यापारी फल आदि नहीं बेच पाएंगे। फ्रूट मार्केट सब्जी मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। यहां दुकानदारों के लिए एक जोन बनाकर तैयार किया जाएगा, जिससे कि आसानी से दुकान लगा सके। SDM राजकुमार खत्री ने इससे लेकर फ्रूट व्यापारी की बैठक लेकर उनको दिशा निर्देश दिए। मार्केट शिफ्ट होने के कई सालों से चली आ रही अतिक्रमण की समस्या जल्द समाप्त हो जाएगी। नगर में लंबे समय से फ्रूट मार्केट का स्थान निर्धारित है, इससे व्यापारी अब तक हर कहीं दुकान और ठेला खड़ा कर फ्रूट बेचते हैं। अतिक्रमण के कारण आमजन को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। नागरिकों ने इससे त्रस्त होकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, बावजूद कुछ नहीं हो सका। इस समस्या से अब जरूर उनको जल्द राहत मिलेगी। बता दें कि इस समस्या से हर कोई त्रस्त होकर पीड़ा भोग रहा था। शिफ्ट करने का लिए निर्णय नामक चौराहा अस्पताल चौराहा ट्रामा सेंटर से जगदीश मंदिर मार्ग पर बाहर खड़े होने वाले फूड विक्रेताओं की SDM ने बैठक की। सीहोर में पार्षद से लेकर नगर पालिका के अधिकारियों तक समस्या से अवगत कराया बावजूद आज तक क्षेत्र में सफाई नहीं की गई। नागरिक इससे मायूस नहीं हुए और सब ने हाथों में झाड़ू पकड़कर वार्ड को साफ सुथरा बनाने का बीड़ा उठाया। नगर के वार्ड क्रमांक
14 के रहवासी वर्तमान में नागरिक जीवन जीने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 माह से पार्षद और नपा स्वास्थ्य अधिकारी से समस्या को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वार्ड के मुन्ना लाल जयसवाल ने बताया कि पार्षद को समस्या बताने जाते हैं तो उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता, इससे परेशान होगा वार्ड का अनुपम जयसवाल, अनिल प्रजापति, मूलचंद कमल किशोर, हरीश सिंह, नवल किशोर, प्रतिम राठौर खुद सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई करने में जुट गए। खेत में काम करते समय किसान करंट लग गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी, इससे उसके परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा था। परिजनों ने मुख्यमंत्री कृषक कल्याण जीवन योजना के तहत सहायता दिलाने की मांग की थी। योजना में मृतक किसान की पत्नी को 4,02,000 का चेक। एडवोकेट जितेन ठाकुर ने बताया कि सीहोर जिले के आष्टा तहसील जगमलापुर निवासी किसान संजय पिता कैलाश मेवाड़ 5 अगस्त 2017 को खेत में दवाई का छिड़काव कर रहा था, इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। किसान की मौत के बाद उसके परिजन की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। मृतक की पत्नी सरिता मेवाड़ा ने सहायता के लिए तहसील में प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन दिया था। इसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण जीवन योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के बाद योजना के तहत 4,02,000 रुपए की राशि स्वीकृत की थी। कलेक्टर के भवन में डिप्टी कलेक्टर RS राजपूत ने इस राशि का चेक मृतक की पत्नी को प्रदान किया। तीसरी रेल लाइन के काम के लिए चल रहे काम में ठेकेदार ने काम को आसान बनाने के लिए नायाब तरीका निकाला। ठेकेदार ट्रैक्टर से इंजन का काम ले रहा है, ट्रैक्टर के पहिए में बदलाव कर रहे इसी गिट्टी पत्थर को एक से दूर स्थान तक ले जा रहा है। प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर रोशनपुरा चौराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो मामा कौन है? शिवराज सिंह है। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। फिलहाल अच्छी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।